और अब बात करते हैं रीवा की, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और वेब कास्टिंग के माध्यम से हर घर तिरंगा अभियान की समीक्षा की। इसमें सांसद, विधायक गण, जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, जनपद सदस्य, सरपंच, पंच तथा अधिकारी वेब कास्टिंग से शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। यह आजादी वीरों, शहीदों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बलिदान से मिली है। हर घर तिरंगा अभियान में 13 से 17 अगस्त तक हम अपने घरों में शान से तिरंगा फहराकर देश और शहीदों को नमन करें। इस अभियान में हर समुदाय, हर परिवार और हर व्यक्ति सहभागी बने। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी शासकीय अशासकीय कार्यालयों तथा सभी घरों में तिरंगा फहराएं। शहरी क्षेत्र के प्रत्येक वार्ड तथा प्रत्येक ग्राम पंचायत में जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करें। नुक्कड़ नाटक, रैली, प्रभात फेरी, दीवार लेखन तथा सोशल मीडिया के माध्यम से इस अभियान का प्रचार प्रसार करें। पंचायत राज संस्थाओं तथा नगरीय निकायों के चुने गए सभी जनप्रतिनिधि भी हर घर तिरंगा अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाएं। सभी शान से तिरंगा खरीद कर अपने घरों में लहराएं। इसके साथ साथ पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए अंकुर अभियान के तहत पौधारोपण करें, धरती को हरा भरा बनाने के अभियान में सहभागी बने। मुख्यमंत्री ने कहा कि नवनिर्वाचित सभी पंचायत पदाधिकारियों को उनके सफल कार्यकाल की मैं शुभकामनाएं देता हूं। अब चुनाव को भुलाकर सम्मिलकर अपनी ग्राम पंचायत और जिले के विकास तथा आमजनों के कल्याण के लिए प्रयास करें। मुख्यमंत्री से लेकर पंच तक एक इकाई बनकर जन कल्याण और विकास के लिए समन्वय से प्रयास करें। गांवों में बिजली, पानी, सड़क, खाद्यान्न वितरण, आवास सहित अन्य कार्यों पर ध्यान दें। अपनी ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए सब मिलकर प्रयास करें। जिन पंचायतों में सर्वसम्मति से सरपंच निर्वाचित हुए हैं, ऐसे 600 से अधिक समरस पंचायतों के सरपंचों को पुरस्कृत किया जाएगा। सभी ग्राम पंचायतें अपनी पंचायत का गौरव दिवस मनाएं। गांव के हर व्यक्ति को इस समारोह में शामिल करें। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कलेक्ट्रेट के NIC केंद्र से जनप्रतिनिधिगण, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि, कमिश्नर अनिल सुचारी, कलेक्टर मनोज पुष्प, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्वप्निल वानखेड़े तथा अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।